एमएस बिट्टा साहब वो जाबाज सिपाही हैं, और इसलिए सिपाही क्योंकि मौत के पास से आकर उन्होंने मौत को मात दिया। एमएस बिट्टा साहब, मैं आपको मंच पर इनवाइट करना चाहूंगा। जब जवान मौत का कफन बांध करके अपनी मातृभूमि की सीमाओं की, अपनी मातृभूमि की आजादी की, आपकी रक्षा के लिए निकलता है, तो उसके दिल से एक ही आवाज निकलती है, जब अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता की तरफ देखता है और दूसरी तरफ वो माँ भारत माँ की तरफ देखता है, तो ये जरूर कहता है, एक शाम चिरागों ने सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। और कल जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। कल की सच्चाई तो ये थी, हम रोज पाकिस्तान को गाली देते हैं, रोज पाकिस्तान से लड़ते हैं, हमारा जवान पाकिस्तान की एक गोली चलती है 100 गोली का जवाब देने के लिए तैयार रहता है, और आखिरी दम तक बंदे मातरम करता हुआ, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करता हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में आज और कल अपने अपने परिवार में वापस चले जाता है। क्या कभी हमने सोचा कि ये शहादतें कब कम होंगी, बहनों के सुहाग उजड़ने कब बंद होंगे, माँ बाप के बच्चे घर से निकले हैं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्या कभी हमने सोचा कि ऐसा कभी खत्म होगा? कल का वाक्या वो वाक्या है जिसको सबको सोचने की जरूरत है। हम बड़े बड़े चैनलों के अंदर बड़ी बड़ी डिस्कशन होती है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की, और तू तू मैं में वक्त गुजर जाता है, जवान की बॉडी घर में आती नहीं, और तिरंगे झंडे में बॉडी अभी सिमट रही होती है, और हम तू तू मैं निकल जाते हैं, ये आज की श्रद्धांजलि होती है। कल का जो वाक्या हुआ बड़ा सोचने का विषय है, जिस तरीके से हमारे जवान मौत का कफन बांध करके छुट्टी काट के निकले थे, जिम्मेदार लोगों का ये कर्तव्य जरूर बनता था कि खतरनाक रास्ता है वहां रास्ते में को गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारी सुरक्षा की कमी के कारण हमारे जवान हमारे से दूर चले गए, बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बह गई। सवाल ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसकी दोषी है, हमारे जवान शहीद ना होते ये हमारे लिए आज सोचने का विषय है। तो मैं आज के दिन दिलीप तिवारी जी का, जी टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ऐसे कार्यक्रम पूरे राष्ट्र के अंदर एक नई चेतना, एक नई क्रांति, और उन शहीदों को, परिवारों को, जिन शहीदों को हम भूल जाते हैं, उनको शहीदों को हमेशा हम याद रखें, हमेशा उनके परिवारों का ध्यान रखें। अभी ग्वालियर में भी उन्होंने कार्यक्रम किया, वहां भी शहीद परिवारों को बुलाया उन्होंने, उत्तरांचल में किया। तो दिलीप तिवारी जी ने सबसे बड़ा जो काम किया है, जो हमेशा मेरा इनको, और मध्य प्रदेश के वो रहे चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जी को मेरा नमस्कार सिर झुका के रहेगा, सबसे बड़ा काम किया जी टीवी और तिवारी जी ने कि जो भी जवान शहीद होगा, पहली तो भगवान कृपा करे किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, को बच्चा यतीम ना हो, पर अगर कोई जवान शहीद होता है, ऐसा कानून बना दिया था वहां के चीफ मिनिस्टर ने, कोई भी जवान शहीद होगा, जवान की कीमत नहीं लगाई, 1 करोड़ रुपया उसी वक्त जवान को मिलेगा, उसी वक्त रहने को फ्लैट मिलेगा, बच्चों की अच्छी शिक्षा होगी, परिवार के किसी मेंबर को उसी वक्त नौकरी मिलेगी। हिंदुस्तान के अंदर एक ही स्टेट है ऐसा कार्यक्रम करके दिलीप तिवारी जी ने वहां पे क्रांति पैदा की। और मैं दिलीप तिवारी जी को जरूर कहूंगा, जब भी किसी को बुलाएं, चीफ मिनिस्टर हो या गवर्नर साहब हो, उनको अपनी ये मिसाल, उनको मध्य प्रदेश के वो शिवराज चौहान चीफ मिनिस्टर की मिसाल,
बता करके क्रांति लाते रहे। हमारे जवान मौत का कफन बांध करके शहादत सेने से कभी घबराता नहीं है। वो जब फौज में जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाता है, वो मौत का कफन बांध करके मातृभूमि के लिए आपके लिए शहीद होने जाता है। पर उसको फिक्र ना रहे, मैं चले जाऊं और मेरा परिवार पूछने वाला कोई ना हो। ये जरूर दिलीप तिवारी जी जो मध्य प्रदेश के अंदर आपने किया है, पूरे राष्ट्र में करवा दीजिए, मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया एम एस बिट्टा साहब।